भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं धमतरी विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की तुलना सोमालिया के जंगल से करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके नाकाम प्रशासनिक अधिकारियों से अब इस प्रदेश की अपेक्षाएं समाप्त हो चुकी है। इन्होंने मिलकर प्रदेश को नाकामी के चरम पर लाकर खड़ा कर दिया है। माइक मुख्यमंत्री और घोषणाएं, लेकिन धरातल में नील बटे सन्नाटा है। बेहतर होगा कि सीएम साहब प्रशासनिक अधिकारियों को गाय भैंस ऊंट पकड़ने की ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजें और इस कार्य में कम से कम निपुणता दिखाएं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में लाफ जंगल है। यहां की स्थिति अफ्रीकी देश सोमालिया की तरह हो गई है। कोई भी व्यक्ति लूट सकता है, डकैती कर सकता है, रेप कर सकता है, कोई भी किसी तरह का गंभीर अपराध कर सकता है। इस राज्य में भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही है। इस स्थिति में IAS, IPS, IFS जैसे उच्च शिक्षित मेन पावर जो कार्यपालिका के अंग हैं वो लगभग खाली हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव ने काउ केचर बनने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने प्रशासन के लोगों को नियुक्त किया है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के इन तीनों वर्ग के अधिकारियों को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किसी अकादमी में, किसी प्रशिक्षण संस्थान में गाय पकड़ने का, पशु पकड़ने का, भैंस पकड़ने का, ऊंट पकड़ने का, हाथी पकड़ने का प्रशिक्षण दिलवाएं, ताकि ये किसी मामले में जनता की सेवा कर सकें। अन्यथा इस क्षेत्र को छोड़ के इस फैलवर राज्य से किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से भी किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। जो जो वो घोषणाएं कर रहे हैं वो कोई भी धरातल में दिख नहीं रही है। चुनाव सामने है, माइक है और मुख्यमंत्री जी हैं और घोषणाएं हैं।